असह्य खरा ताती करुछि कलबल 42 डिग्री उपरे राज्यर 15टी सहरर तापमात्रा 44.4 डिग्री सहित आज बलांगीर सबुठ उत्तप्त सहर पाल्टिछि। सेभली टीटलागढ़ में सर्वोच्च तापमात्रा 44 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायथिबा बेले झारसुगुड़ा में 43.6, भवानीपाटना में 43.5, बौद्ध में 42.9, अनुगुल में 42.7, सुंदरगढ़ में 42.4, संबलपुर मालकानगिरि और सुवर्णपुर में यथाक्रमे 42.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमात्रा रेकर्ड होइछि। सेबडे राउरकेला रे सर्वोच्च तापमात्रा 42.2 डिग्री थिबा बेले बरगढ़ में तापमात्रा थिला 42.1 डिग्री सेल्सियस। सेभली तालचेर नयागढ़ और नुआपड़ा आज सर्वोच्च तापमात्रा 42 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायछि। हीराकुद रे 41.9, नवरंगपुर रे 40.4, भद्रक रे 40 डिग्री, भुवनेश्वर रे 38.4 एवं कटक रे सर्वोच्च तापमात्रा 37.6 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड होइछि। राजधानी उपकंठ धौली थाना गोपीनाथपुर गांव रे एक आश्चर्यकर घटना देखिबा पाई मिलिछि। 9 वर्ष पर मंदिर चोरी सामग्री को फेराई देछि चोर। ठाकुर अलंकार फेरवा सहित 101 टंका जरिमाना भी भरी चोर। अधराती रे एसबू सामग्री को गांव एक तुलसी चौरा बोले रखिदेला चोर। आउ सबुठ बड़ कथा हेउछि चोर निजर भूल बुझी पारिबा सहित एक चिठी मध्य छाड़ी जाइछि। चोरर प्रायश्चित 9 वर्ष पर अनुताप कला चोर फेराई देला ठाकुर चोरी सामग्री जरिमाना भी देला भूल मागी चिठी लिखिला। एभली एक आश्चर्यकर घटना देखा मिली राजधानी उपकंठ गोपीनाथपुर गांव आउची से ही मंदिर आउ फेरी पाई चोरी सामग्री मंदिर फाटक लगी चिठीटी ठाकुर उद्देश्य लिखि छाड़ी जा चोर जो चोर उल्लेख कर चोरी करने से किभरी असुविधार सम्मुखीन होताप करने रविवार राति एक पलिथिन चोरी कर ठाकुर समस्त अलंकार फेर सहित 101 टा जरिमाना और 201 टा दक्षिणा दे छाड़ी जा 2014 मसीह यज्ञ होता मु सिंहासन ठाकुर नेली यज्ञशाला भितर नेली रखी आसली अलंकार 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 नहीं यज्ञशाला भितर थोली रोसिया भाईना कहले भाईना गाँव को गामछा दे दिए कूप पा दल ही छणा हे मंडुआ मन जलखा तैयारी हे फिर मुझे अलंकार से थोक आसली गामछा दे मंदिर पता ना पचरा चढ़ी गली चढ़िया पचरा चढ़ी गली यज्ञशाला भितर को जिन ना दीर्घ 9 वर्ष पर कौन प्रकार बाट पाइला ना पुणी से सबुतक अलंकार आथास्थान पुणी रखी जा सहित भी चिठी लिखिकी भूल मागिचे आज्ञा जे मोर यही भाया असुविधा है मुझे कौन सी जिनस कर बहुत बाधा विघ्न घटला बहुत जिनस आज्ञा कहीपर आखपाख लोक कि कौन आम कहीपर जहाँ भी हौ जी भी हौ आम प्रभु जिनस आम पाखे पहुँच जाइटा बड़ कथा। 2014 मसीह गोपीनाथ मंदिर एक बड़धरण चोरी होता जो थे ठाकुर रूपा बंशी छता मुकुट रूपा आखि थाली एवं घंट को चोरी कर चोर सेतेबेले ग्रामवासी एने लिंगराज थाना अभियोग करे गुणीगारेड़ी हेले चोरी सामग्री फेरी नथिला पर ग्रामवासी आशा मध्य छाड़ी देखु 2014 रु ये आसला 2023 2023 यज्ञ मंडप जो दिन कम सरी स्ट्रक्चर पॉइंट स्ट्रक्चर जो दिन कम सरी से भगवान जिनस आँचुच माहौल बहुत खुशी होजी आम जो स्थानीय पूजक जी मंदिर पूजक सी भी बहुत खुशी से के आशा करते सी भी प्रभु डाकती प्रभु तोरी जिनस चोरी है तो जिन चोरी है तु जमी तु चोर को दंड देवु से जिन तु आ प्रकृत से 9 वर्ष पर ठाकुर चोरी सामग्री मिलवा पर गाँव में उत्सव माहौल देखा मिली। भुवनेश्वर कैमरामैन आशीष दास सहित दीपक सामल न्यूज 18 ओडिया।
जाजपुर जिला व्यासनगर में सेनको गोल्ड अलंकार दुकानु डकायती ग्राहक बेसरे आसी दुकान रे कलाकना बुलाई सात जन डकायत कर्मचारी को आक्रमण कर दुकान में सुना रूपा और अलंकार लुटिने फेरार हो जाती डकायत दुकान दुई कर्मचारी गुरुतर अवस्था जाजपुर रोड हस्पिटाल भर्ती कर दुकान में पहुंची आतंक खेलते डकायत दल बंधुक बाहर कर कर्मचारी धमकई सिक्यूरीटी गार्डर बंधुक भांगिदे अंपटे पुलिस घटनास्थल में पहुंची तदंत आरंभ कर एक्जाक्ट अमाउंट शॉप ओनर तांगे कथबार्त सब जिन मैं आनालीसीस कलापुर आउ फुटेज गुड़ाक स्टडी करयर बाय जो शॉप्स अच्छी सब जाक फुटेज गुड़ाक स्टडी विभिन्न जमी कहली विभिन्न एंगल रु आम इन्वेस्टिगेशन को आगे नौ एंड आम चेषा करते शीघ्र ये केस रु आम मैंने पर्दाफाश कर खरादिने आदिवासी परिवार को रोजगार देउछि साल मंजी जंगल रु साल मंजी संग्रह करी बिक्री करी परिवार प्रतिपोषण करुछंती नवरंगपुर आदिवासी साल मंजी किलो 20 टंका रे बिक्री होउथिबा बेले एहारो मूल्य वृद्धि करिबा पई दाबी करिछंती जंगल रु चालीछि साल मंजी संग्रह एबे ग्रीष्म ऋतु चलिथिबारु साळ गछरु खसुछि मंजी ए मंजी संग्रह रे लागिछंती नवरंगपुर रो आदिवासी परिवार एबे कामधंदा नथिबारु सकाळ 6टा हेले घरु जंगलकु बाहरि जाउछंती आदिवासी परिवार दिन 12टा पर्यंत जंगलरु साळ मंजी संग्रह करंती आउ ताहाकु आनी खररे सुखैबा परे नियारे पडिथांती परे एहाकु घरकु आनी पिटी मंजी बाहर करथांती ए मंजीकु मार्केट रे बिक्री करी परिवार प्रतिपोषण करथांती आदिवासी परिवार काले आइबू सरगी बैठबू पोड़ाइबू सुखाइबू नेबू आरी आरी ताके दिन के सुखाइत रेबू अंडाइत रेबू सुखला बोले पीटबू पीटबू आरी पुनबू आरी बिक के नेबू क्या से तकरा तने शादी बादी ये बुते नी ये तो कर बोरे बुते जे दुकाने दुकाने मिसा बार लोग मिसा आयले दी दे बुते यार काय करबू काल भी जातो सकाल ताने उदार उदार ताने आयलू चे बैठ के आयलू चे आऊ ने उचे पोड़ाई गुचे फून सुखाई गुचे ताक फून बु आरी बोई ने बु डाब गा ते कराता ने आमे आसी कर लोई रे बु दिन सारा कि गलो पिला तो के सब तो आई बु आछे खरा दिने आदिवासी को रोजगार रो एकमात्र माध्यम पालटी थाए साळ मंजी संग्रह हेले बाजार सुविधा नथिबारु बहु कम दर रे हाको बिक्री करचोंती आदिवासी आदिवासी उन्नयन समवाय निगम एमानंक ठारु किलो पिछा 20 टंका रे हाकु क्रय करूची साळमंजी संग्रह रे बहु समय ओ श्रम जाउथिबारु यार दर वृद्धि पई दाबी हिउची या द्वारा आदिवासी को आर्थिक विकास होय बोले कहिसंती बुद्धिजीवी करा दिन अर चीज करबो बसी बसी घर पई नै कि साळमंजी बैठबा पई जाउछु हमी तारी तो काम दाउ तो चीज करवारी सीटा का हमर बिजनेस चलची अरे आमर घर फैमिली आम चलचु सीटा आजिकल स्कूल छुट्टी सब छुट्टी किस कर जंगल भल रोजगार दूचे ये गोटे जंगल शाण मंजी गोटे रोजगार मध्यम होती एवं देखा पाच जंगल धीरे धीरे कमी जाऊँ से चिंतित जंगल भल रोजगार दौर कहीं खरा मस से कम ना आल मंजी बिक्री दुई पैसा पाते निजर भरण पोषण कर रोजगार मध्यम एथिपाई परिवार रो समस्त सदस्य सकाळ 5टा रो आरंभ करी दिन 12 रो घंटे पर्यंत जंगल मध्ये रे फूल संग्रह करंती एही जंगल आदिवासी को सबु समय रे जीविका जगे आसी नवरंगपुर रो महेश्वर बेहरा न्यूज 18 ओडिया मयूरभंज जिल्ला रे रहिछि छोटो छोटो शिल्प सेथि मध्ये रो डोकरा शिल्प अन्यतम सरकार को उदासीनता कारण रो धीरे धीरे एही बहु प्राचीन शिल्प रो मुह फेराउछंती कारीगर डोकरा शिल्पर बढ़ुची चाहिदा राज्यर विभिन्न स्थान रे बहु पुरातन एही शिल्पकला देखिबा को मिलुथिबा बेले मयूरभंजर डोकरा शिल्प स्वतंत्र एवं अन्यतम पीतल धातु को व्यवहार करी विभिन्न प्रकार मूर्ति निर्माण करा जाए तेबे किभली प्रस्तुत होइथाय एही डोकरा शिल्प प्रथमे माटी संग्रह करा जाई सेथिरे बाली अन्यान्य सामग्री मिसा जाई ठीक पाग हेला परे हातरे मूर्ति तयारी करा जाई ताहाकु सुखाई दिया जाए मूर्ति सुखीगला परे महम ओ लाखरु प्रस्तुत होइथिबा सूताकु मूर्तिरे गुड़ाई मूर्तिर डिजाइन प्रस्तुत करा जाए परे स्वतंत्र भावे प्रस्तुत माटीर प्रलेप दिया जाई खरारे सुखाई दिया जाए
ପରେ ବାଲି ମାଟି ଓ ଚିକିଟା ମାଟିର ଦୁଇଟି ଆସ୍ତରଣ ଦେଇ ମୂର୍ତ୍ତିର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଚଙ୍ଗ ତିଆରି କରାଯାଇ ଶୁଖିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ପିତଳ ଧାତୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଚଙ୍ଗରେ ଦେଇ ପୁଣି ମାଟିର ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଟିରେ ରଖିଦେଇ ନିଆଁ ଜଳେଇ ଦିଆଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପିତଳ ତରଳିଗଲା ପରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବାହାର କରି ଓଲଟାଇ ରଖିଦିଆଯାଏ। ଫଳରେ ମହମ ସୂତାର ନକ୍ସା ଅନୁସାରେ ପିତଳର ଛାଞ୍ଚ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ। ମାଟିର ପ୍ରଲେପକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ସୁନ୍ଦର ପିତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ଏହାକୁ ପଲିସ୍ କରିବା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଢୋକ୍ରା ମୂର୍ତ୍ତି। ସେଥିରେ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ କିଛି ମିଳୁନି, ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ସବୁ ବିକା କିଣା କରି ଆମେ ଚଳପଡ଼ିଛୁ, ଘରେ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷୁଛୁ। ହଁ, ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ସବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାଳ କିମ୍ବା ବଜାର ଟାଉନ୍ରେ ସବୁ ବିକ୍ରି କରି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆମେ ସବୁ ଆଣି ସବୁ ଘର ପରିବାର ସବୁ ଚଳଉଛୁ। ଆଉ ଅନୁସା କିଣୁଥିଲା, ଅନୁସା ଯେଉଁ କିଣୁଛି ଯେ ସେ ଏତେ ରେଟ୍ ଆମକୁ କିଛି ଦେଉନି। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଣିଥାଏ ତା ଡି ଆଇ ସି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ମାଲ ଯଦି କିଣିଥାଇଥା ଡି ଆଇ ସି ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଯଦି ମାଲ ଗୁଡ଼ା କିଣିଥାଇଥା ଆମେ କିଛି ଅଧିକା ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ତ କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଡୋକ୍ରା କାରିଗର କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅବହେଳିତ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁନଥିବାରୁ ଡୋକ୍ରା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ସୋସାଇଟି। ମାର୍କେଟ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ କାରିଗରଙ୍କୁ ମିଳୁନି ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ। ଲାଭ ନଥିବାରୁ ଏବେ ଏହି ଡୋକ୍ରା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆୟ କମ୍ ରହୁଥିବାରୁ ନୂତନ ପିଢ଼ି ଏହି ଶିଳ୍ପକୁ ଆପଣାଇବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଶିଳ୍ପକୁ ନୂଆ ରାହା ଦେଖାଇବାକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜପରିବାର। ରାଜପରିବାରର ସହାୟତା କ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଯାଇ ଡୋକ୍ରା ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ଯଦି କିଣିକିରି ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ଆମକୁ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଥିଲା ଏଇ ଢୋକ୍ରା ଲୋନ୍ର, ସେ ଟ୍ରେନିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ଆମର କିଛି ମାନେ ପଇସାପତ୍ର କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଆଗକୁ ଡେଭଲପ୍ କେମିତି ହେବ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରି ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗା ପଠେଇଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠେଇଛୁ, ଆଉ ବୋଧେ ଏଇନା ବୋଧେ କ୍ୟାଲକାଟା ଯିବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇଏ ଡୋକ୍ରା ଆର୍ଟର ଗୋଟେ ମେଲା ଗୋଟେ ହେବ ସେଇଠି ବେଙ୍ଗଲରେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍, ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ କଲେ ତ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡୋକ୍ରାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ମିଳିକରି। ଡୋକ୍ରା ଶିଳ୍ପ ସହ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ। ଏହି ପୁରାତନ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକତା। ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡୋକ୍ରା ଶିଳ୍ପ, ତେବେ ସରକାର ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଏହାକୁ କେବଳ ବହିରେ ହିଁ ପଢ଼ିପାରିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ଖବରରେ ସମୟ ଏକ ବ୍ରେକ୍ ର, ଆଉ ବ୍ରେକ୍ ପର ଦେଖିବା କମିଂ ଅପ୍ ର ପ୍ରାୟୋଜକ ଭାରତ ମସାଲା, ଦ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜପରିବାରରେ ଝଡ଼, ଅର୍କେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଡେରାଡୁନ୍ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ ପତ୍ନୀ ଅଦ୍ରିଜା। କହିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଶ୍ୱଶୁର ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ଏବଂ ଶାଶୁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଉଥିଲେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା। ଅଭିଯୋଗକୁ ଅର୍କେଶଙ୍କ ଖଣ୍ଡନ, ଆଣିଲେ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ।
ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜପରିବାରରେ ଝଡ଼ ଅର୍କେଶ ସିଂହଦେବଙ୍କ ନାଁରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ଶାଶୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଦ୍ରିଜା ସିଂହଦେଓ। କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜପରିବାର, ଏଥର ରାଜନୀତି ନୁହେଁ, ବହୁ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଅର୍କେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମାମଲା। ଅର୍କେଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଦ୍ରିଜା ସିଂହଦେଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜପରିବାର ବିରୋଧରେ ଆଣିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଦ୍ରିଜା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଡେରାଡୁନ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଅଦ୍ରିଜା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଡିଜିପି ଅଫିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। थाने में मैंने एक एप्लीकेशन दी थी अगेंस्ट हमारे ससुर अनंग उदय सिंह देव, मेरे जेठ कलिकेश नारायण सिंह देव, विजय लक्ष्मी देवी जो मेरी सास है, और मेघना राणा, ये चारों पे और अर्केश नारायण सिंह देव। तो इनों की, क्योंकि ये लोग मेरे को घर से निकालने चाहते थे, उन्होंने मेरा एंट्री उड़ीसा में भी बंद करा दिया है। तो अभी भी मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा हक बनता है यहाँ रहने के लिए। इस बीच में, इस दौरान में इन्होंने जैसे कि रिमोट कंट्रोल करके अपने स्टाफ से हमको गाली गलौज बहुत दिलवाया, बहुत ज़्यादा ही दिलवाया। कैमराज भी लगवाए, तो एक कैमरा मेरे कमरे के अंदर के तरफ ये लोग पॉइंट किए। ये इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है, हमको परेशान करे है। और मैं अब इतना, ये जो मेरा, मैंने एक डोमेस्टिक वायलेंस केस भी दर्ज किया है, और ये अभी सब ज्यूडिस है, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म में शायद बताना ठीक नहीं होएगा। इनके स्टाफ हमको थ्रेटन करते हैं, ये लोग सब पीछे में बैठ के करवाते हैं ये सब। ଅନ୍ୟପଟେ ଅର୍କେଶ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗକୁ କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହିତ ଅଦ୍ରିଜାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଣିଛନ୍ତି ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ। 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ନେଇ ଟିକେଟ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିବା ଅର୍କେଶ କହିଛନ୍ତି। साहब हमारी बननी ही नहीं है, हम डिवोर्स का हमने डिसीजन लिया था, उन्होंने कहा था हमको सरगसी में एक बच्चा दो, हम डिवोर्स क्लीन दे देंगे। जब हमने मना किया, वो इस घर में आके उन्होंने ताले चेंज करे। जब मैं घर के अंदर आया, उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस फाइल किया, फिर भी हमने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। हम मीडिएशन में कोशिश कर रहे थे उनसे बात करने की, कई लोगों से बात करी कि उनसे आप बात कर लीजिए। उस बीच में साहब इनके हमारे घर में 2 साल से इनकी बहन रह रही है, महीने में 15 दिन इनके पिता आके रहते हैं। इनका कोई कनेक्शन है, एक प्रशांत मलिक करके है डोप कैफ़े वाला, जो मसूरी में इन्होंने एक साथ खोला हुआ है। अब क्या किया उन्होंने, वहाँ हमारे घर में उसी आदमी को पकड़ के सहारनपुर के लोग ला के वो कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, घर के बिल्डिंग के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल जब हम गए पुलिस की उपस्थिति में, हमारे साथ कुछ महिलाएँ थीं, हमने महिलाओं को बोला कि आप इनको रोकिए। उस जगह में ड्रामा करके ये जाके फिर हमें चोट लग गया, ये लग गया करके वुमेन कमीशन को कंप्लेन करी। आज भी कह रही हैं कि तुम अगर घर मेरे नाम नहीं करोगे या तुम मुझे पॉलिटिकल करियर नहीं दोगे, मैं इसको बढ़ाते चलूंगी, और मैं प्रधानमंत्री की पोती हूँ, मैं सरकार पे, पुलिस पे अपना दबाव बढ़ाती चलूंगी। 2017 हुईथिला ओरकेस एवं अद्रिजांको विवाह, 2019 जाय सेमाने बलांगीरे रहथिले। କିନ୍ତୁ ଅର୍କେଶ 2019 ନିର୍ବାଚନ ହାରିଯିବା ପରେ ଦୁହେଁ ଡେରାଡୁନ୍ ରାଜପୁର ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଅଦ୍ରିଜା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରତାପ ସିଂହଙ୍କ ନାତୁଣୀ, ଅର୍କେଶ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିଂହଦେଓ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ନାତି। ଅର୍କେଶ ଏବଂ ଅଦ୍ରିଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବିବାଦ ତୀବ୍ର ହେବା ସହିତ ମାମଲା ଥାନା ଏବଂ ଅଦାଲତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡେରାଡୁନ୍ ସିଟି ଏସ୍ପି। देखिए, ये दो पक्ष हैं जिनका कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है, और इनका डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के कोर्ट में भी केस चल रहा है। लगातार दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। इस संबंध में जो भी तहरीर प्राप्त होती है, उसमें जो लीगल कार्रवाई होती है, वो हम लोग, हमारे द्वारा की जा रही है। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିଧାସଳଖ ଦୁବାଇକୁ ବିମାନ ସେବା, ଏହି ବିମାନ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନବୀନ। ଏ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶର ଆଧାର। ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ମୁଁ ଖୁସି, ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା'ମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳମୟ ଯାତ୍ରା କାମନା କରୁଛି।
दुबई को सीधा सड़क उड़ाण भरी इंडिगो विमान एथिरे जाइछंती 170 जन यात्री सही भली 170 प्रवासी ओडियांकु नै दुबई रु मध्य विमान भुवनेश्वर आसी सप्ताह को 3 दिन उड़ीबो विमान सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार विमान सेवा पाइबे यात्री अवहेलित अवस्था बरगढ़ जिला पद्मपुर लाइफस्टॉक मार्केट पद्मपुर आरएमसी अधीन सप्ताह को थरे शनिवार जने चासी एवं व्यवसायी भिड़ हेले अभियोग हेउछि मार्केट रे मासकु 2 रु 3 कोटी टंकार कारबार हेउथिबा बेले यहार उन्नति पई कोनोसी ध्यान दिया जाउ नाही व्यवसायी कि ग्राहकक पई पानीय जल व्यवस्था नथिबा बेले आश्रय स्थल मध्य नाही एपरि कि लक्षाधिक टंका बाट मारणा हेउथिबा अभियोग हेउछि बरगढ़ जिला पद्मपुर आरएमसी परिसर में प्रति शनिवार बसी थाए नियारा हाट जो दैनंदिन सामग्री पनीपरिया शगमाछ बदल छेली मेंढा गाईगोरु बिक्री होता है सुलभ मूल्य बजार को किणाबिका बिहार छत्तीसगढ़ राजस्थान झारखंड उत्तरप्रदेश सह राज्यर विभिन्न जिलार शह शह चाषी व्यवसायी और ग्राहक भिड़ जमाई सका छटू मध्यान जाए छा धरी किणाबिका चली था राज्यर यह बहु पुरतन लाइफ स्टक् मार्केट एवं अवहेलित अवस्था दूरदूरांतर आसुवा व्यवसायी और ग्राहकों पर आवश्यक सुविधा सुजोग मिलून अभियोग मार्केट आनुषंगिक भित्तिमि को नहीं बढ़ुत असंतोष मेछा दिन दिन मेछा दिन 9000 टाँह आज्ञा आर रिसीव कर 180 टाँह बुझल कि नहीं दी पैसा पत्र दौचु आर बाकी आम बाट घर सुविधा नहीं पाई पार्बार इन पैन कैन भल मंद कें झाड़ा लगे भी कें पैन टे नीन कि कण नीन आर आम रास्तार 60 किलोमीटर रही बुझले कि नहीं आज्ञा आर आम ये अवस्था रही बुझले कि आज्ञा क्या पैन टे भी नहीं मिलवार कि कें कण टे भी नहीं मिलवार बजार में आम घाटा हूँ लाफा हूँ इतनी आम परिवार पोषण करूँ किंतु व्यापारी प्रति कौन सी प्रकार सुविधा हमको सरकार केवे नहीं जुगाला आरएमसी के पैसा दिया हूँ माने चलानी रसीद सब दिया हूँ 1965 मसीह पद्मपुर आरएमसी विभाग पक्षर खोला जाता लाइफ स्टक् मार्केट बरगढ़ नुआपड़ा बलांगीर जिला सह छत्तीसगढ़ राज्यर मध्यवर्ती अंचल रही पद्मपुर लाइफ स्टक् मार्केट सूचना अनुसार मासक प्राय 2 रु 3 कोटी टंकार कारबार होता है पद्मपुर आरएमसी विभाग चाषी व्यवसायी और ग्राहकों ठू 100 टंका कारबार रे शतकड़ा 2% टिकस नहीं थाए हेले केतेक असाधु कर्मचारी टिकस टंका को बाटमारणा करुथिबा भरी संगीन अभियोग होईछि व्यवसाय पई दूरदूरांतर आसुथिबा चाषी व्यवसायी और पशुमानक पई पानीय जल शौचालय आश्रयस्थळी नथिबारु लोके नाही नथिबा असुविधा भोगुछन्ति सेपटे टंका बाटमारणा प्रमाण मिलिले कड़ा पदक्षेप नियाजबा सह खूब शीघ्र बजार रे समस्त प्रकार भित्तिभूमि मिलिबो बोली पद्मपुर आरएमसी संपादक कहिछन्ति ओडिसा रे कोन भारत रे गुटे बृहत बजार एवं एथरु लक्षाधिक टंका प्रति बजार रे रेवेन्यू कलेक्शन होउछि एवं यूजर फी हिसाब से 2% से कलेक्शन करपर आप देखु जो पद्मपुर आरएमसी अंडर में पखापाखि 31 कोटी टंका रही किंतु तार सदुपयोग नकटा सब अर्थ बाटमारणा हो मार्केट कैटल सेट एवं पेडी प्रोक्योरमेंट सेंटर यहाँ सब होकर आम वर्तमान 3,50,00,000 काम चली आहरी 5 कोटी टंकार काम पाई एप्रुवाल ओसामबोर्ड को जाइए खूब शीघ्र से काम हो कौन से चाषी मान किसी असुविधा हम ना कोटि कोटि टंकार कारबार होता मार्केट स्थित केवे सुधुरुची ता समस्त नजर समस्त गोटे दाबी ए नियंत्रित बजार कमिटी परिसर में टॉयलेट पीवा पानी एवं आश्रयस्थली तुरंत निर्माण करा जो टिकस आदाय कराई तार मध्य उच्चस्तर तुरंत करने को दाबी होती बरगढ़ पद्मपुर रंजन कुमार देवता न्यूज 18 ओडिया।